अमल। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। खा लो। जिद कीजिए ना मुझसे, हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जिद करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे बताए बगैर तुम अपनी मां के घर चली गई, बताया क्यों नहीं मुझे? तो ये सब कुछ आपने किया है उस लड़के को? आप? हाँ मैंने किया है, मैंने भेजा था उसे। हालांकि मैं ऐसे काम करता नहीं हूं, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं डंके की चोट पे सबके सामने करता हूं। अब तुम मेरी जिद बन चुकी हो अमल, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अरे खाना खा लो, कब से कह रहा हूं खाना खा लो। भाभी परेशान है तुम्हारी वजह से, वो भी कुछ नहीं खा रही, खा ही नहीं रही खाना ये। अच्छा राशिद, ऐसा करो तुम जाओ, मैं इसे खाना खिला देती हूँ। खिला देना, खा लेना खाना, चलो। किसी की बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा के पास जाना है। शर्मिंदा हूँ बेटा मैं तुमसे बहुत। मरने के बाद अशफाक को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी, उसका ख्याल नहीं रख सकी। पापा ने क्यों इतना प्यार दिया हमें, क्यों क्यों मेरी आंखें हमेशा खुशियों से भरी जब इनके मुकद्दर में सिर्फ आंसू है? क्यों हमें इतना प्यार दिया, हमारे लाड उठाए, जब हमारे नसीब में सिर्फ जमाने की ठोकरें? वो नहीं हो रहा, नहीं बर्दाश्त होता, ये बहुत हो रहा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ। बस बेटी, बस बेटी।